बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट लेक्चर आई कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेसन 5। टुडे सेकंड पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ लेसन नंबर 5, हेलेन केलर। So listen carefully, dear students. The work was very slow and difficult. काम जो था वो बहुत ही आस्ता और मुश्किल था। But Miss Sullivan was very kind and patient. मगर teacher Miss Sullivan बहुत ज़्यादा मेहरबान और बहुत ज़्यादा साबरीन थी। Little by little she taught Helen about mountains and rivers and about history and geography. आस्ता आस्ता मिस सुलेमान ने हेलेन को पहाड़ों के बारे में, दरियाओं के बारे में, तारीख के बारे में और जोग्राफिया के बारे में सिखाया और मालूम करवाया। She even taught her how to count and do sums. मिस सुलेमान ने हेलेन को सिखाया कि गिनती गिनना सिखाया और हिसाब जो है वो भी हल करना सिखाया। मिस सुलेमान ने हेलेन को गिनती गिनना और हिसाब हल करना सिखाया। When she was 8, she was sent to a school for blind children. जब वो 8 साल की उम्र की थी तो उसको अंधे बच्चों के स्कूल में दाखिल करवाया गया। She had forgotten how to speak. वो भूल चुकी थी कि कैसा कैसे बोला जाए। But her teacher helped her. मगर उसके उस्ताद ने उसकी मदद की। She would put Helen's hand on her own lips and let her feel the movements of the lips at the time of speaking. Miss Sullivan ने हेलेन को उसकी उंगली, हेलेन को कहा कि वो उसको अपना हाथ, अपनी उंगली उनके होठों पर रखे और उनके होठों की जो हरारत है, जो मूवमेंट है, उसको महसूस करे। हेलेन डिड मेनी एक्सरसाइजेस लाइक दिस। हेलेन ने इस तरह से कई मशकें की। एंड एट लास्ट एट द एज ऑफ टेन शी वॉज एबल टू स्पीक अगेन। और 10 साल की उम्र में वो फिर से बोलने के काबिल हो गई। व्हाट अ जॉय, शी एक्सप्लेन्ड। कितनी खुशी की बात है, उसने कहा। By and by she learned to read books. आस्ता आस्ता उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू की। These books were printed with raised points instead of letters and she read them by touching with her fingers. वो जो books थे उभरे हुए नुक्तों से छपे हुए थे और उनको उंगली से टच करके ही महसूस किया जा सकता था। In this way, she was able to learn as much as other people could. इस तरह से वो इस काबिल हो गए जिस तरह से दूसरे लोग कर सकते थे। इस काबिल हो गए कि जैसे दूसरे लोग कर सकते थे। She passed all her examinations easily. उन्होंने अपने सारे इम्तिहान आसानी से पास कर लिए। She went to college and then Harvard University. वो कॉलेज गई, उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई। She studied at the university and graduated without difficulty. उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और सिवाय किसी तकलीफ के वहाँ से ग्रेजुएशन की। She proved to be a better student than many others. उसने अपने आप को एक बेहतरीन तुलबा के तौर पर साबित किया दूसरों शागिर्दों के मुकाबले में। Her teachers loved, admired her. उसके असातिज़ा ने उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया और उनको उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें की। In 1956,
1956 में दिस वंडरफुल लेडी विजिटेड पाकिस्तान, इस अजीम औरत ने पाकिस्तान का दौरा किया। शी वाज 76 से उसकी उम्र 76 साल थी, बट स्टिल वेरी एक्टिव, मगर अब भी वो बहुत ज़्यादा चुस्त थी। पाकिस्तान पीपल गेव हर अ वार्म वेलकम, पाकिस्तानी आवाम ने उसका गर्म जोशी जोशी से इस्तकबाल किया। शी केम टू आवर कंट्री हेल्प द ब्लाइंड एंड द डीफ, वो हमारे मुल्क में अंधे और बहरे लोगों की मदद के लिए आई। शी एड्रेस मैनी गैदरिंग्स इन कराची एंड विजिटेड द स्कूल फॉर ब्लाइंड डीफ एंड डम, उन्होंने कराची में काफ़ी सारी इज्तिमा में खिताब किया और अंधे बहरे और गूंगों बच्चों के स्कूल्स का भी दौरा किया। What a nice school, कितना अच्छा स्कूल है। She explained, उसने कहा, How wonderful it is to be with you, कितनी खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के दरमियान हूँ। My dear sons and daughters, मेरे प्यारे बच्चों और बेटियों, Always be happy and cheerful, never curse your fate, हमेशा खुश और खुर्रम रहो और कभी भी अपनी किस्मत को बुरा ना कहना। You can do everything in this world, आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। She said to the students of the school and admired heartily all the ladies, उन्होंने सारे शागिर्दों से बहुत बड़ी गर्मजोशी से कहा और वहाँ पे जो लेडीज थीं उनको भी कहा, Who were working and teaching there voluntarily with so much zeal and self-affection, उन खवातीन से जो वहाँ पर काम कर रही थीं गर्म जोशी से लागर्ज होकर उस स्कूल में काम कर रही थी, उनको उसने कहा। So this dear student, this was the lesson number 5, Helen Keller. So keep in mind the theme and the purpose of this lesson. Thank you. God bless you.